हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3। आपको इस क्वेश्चन को बनाने में अगर दिक्कत होगा तो आज के बाद नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल मेथड से सीखेगा और बहुत इजी आपको लगेगा ये बनाने में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए, साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री है, किसे आप एक को बदल दो। अब एक को बदलने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप याद किए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है साइन थीटा। आप इसको याद करो, बहुत आपको बनाने में मदद करेगा ये। तो किसी एक को बदलते हैं तो क्या बताइए, साइन 90 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाला को आपको सोचना नहीं है कि कितना घटाएं कि 18, आपको नीचे वाला देख लो, आप उसी से मिल जाएगा, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि नीचे वाला को आप छोड़ दीजिए, इसको मत बदलिए, क्योंकि दोनों को बदल दीजिएगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो इसको छोड़ दिए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है कोस थीटा, तो हो गया कोस थीटा, थीटा के ऊपर 72 डिग्री और नीचे भी 72 डिग्री, कट करके हो गया 1, इसका आंसर हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा? चलिए, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10 26 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री। अब इसको बदलते हैं, इसको भी किसी एक को बदल लेंगे तो क्या बताए, इसको 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको घटाएगा तो इतना आ जाएगा, और नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऐसे ही नीचे वाला को छोड़ दिए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, फॉर्मूला ये सब याद रखिएगा। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है 10 थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आप ये इसका यूज करके ऊपर वाला को बदल दीजिएगा। ठीक है, तो उसी का यूज करके बदल रहे हैं तो हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा कोट थीटा के ऊपर 64 डिग्री, और ये नीचे जैसे है वैसे लिख दीजिए, ये आ गया 1, कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर योग्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को इसको बदलते हैं तो इसको मिटाते हैं, ये हो गया। चलिए, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, इसको भी कम इवेल्युएट करना, वैल्यू निकालना, तो सॉल्यूशन करेंगे, किसी एक को बदलेंगे तो अभी जैसे बदले तो वैसे बदल देंगे, तो कोस 90 माइनस कितना लिखेंगे 42 डिग्री, और वो जैसे है वैसे छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अभी हो जाएगा साइन 42 डिग्री, और उधर भी साइन 42 डिग्री, ये आ गया 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसको भी वैसे करेंगे, इसको बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस कोसेक, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री, और इसको छोड़ दीजिए सेक को। ठीक है, अब इसको बदल देंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है सेक थीटा, तो लिख देंगे सेक थीटा के ऊपर 59, और उधर है सेक 59, ये कट गया तो आ गया इसका भी क्या जाएगा, इसका भी 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसको आप, हम तो इसको बदले थे, आप इसको बदल करके देखेगा आपका भी आंसर सेम आएगा। हम ऊपर वाला को बदले, आप नीचे वाला को बदल करके देखेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, मिलते हैं अगले क्लास में।